बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल करम रहमत से आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने फ़ुज़ूमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें। नविदा व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। आज की वीडियो ये है कि आज हम मिंट को ग्रो करेंगे, मिंट को ग्रो करेंगे। ये देखें जी, मिंट मैंने जो पत्ते से इसके उतार लिए, अब जो ये डंडियाँ हैं ना, ये देखें नज़र आ रही है आपको, लंबी लंबी सी जो छोटी मोटी जो भी हैं इनको हम लगाएंगे, ठीक है। ये मैंने गमला तैयार कर लिया। गमले का आपको पता ही, सबसे पहले जो करना होता है इसमें होल होना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी है जो बाहर निकल जाए। उसके नीचे ऊपर कोई ठीकरी रख लें, कोई कपड़ा रख लें। तो उसके बाद फिर हम इसमें मिट्टी डालेंगे, जिसमें कंपोस्ट भी होगी, किचन वेस्ट वाली कंपोस्ट भी होगी, पत्तों की जो बनी होती है गोबर की खाद जो होती है वो भी होगी, ठीक है। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है ना, हम इसमें अब थोड़ा सा पानी डाल लेते हैं, क्योंकि फिर इसमें ग्रो करने में आसानी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, चलें जी, हो गया ना जी गीला। गीला होने से ये होगा कि फिर हम जो भी चीज़ में ग्रो करेंगे वो सही तरह लग। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सबसे पहले ये देखें जी, ये आपको नज़र आ रहा है। ये मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले इसको इसमें आधा आधा ना जो वो लगा दूँगी, ठीक है। एक जे इस तरह ही ना सारे जी ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह पढ़ के जो चीज़ भी लगाएं आपको पता है वो ग्रो हो जाती है, ठीक है ना। ये देखें ऐसे, और ये ऐसे। जो जो पौधा इसमें मरना होगा ना, मतलब जलना होगा, वो जल जाएगा। अगर एक पौधा भी हमारा चल गया माशाल्लाह, उसकी ग्रोथ हो के जो पूरी बाल्टी जब हमारी भर जाएगी, फिर हम ऊपर से इसको काटते रहेंगे तो फिर वो बड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, मैं बना रही हूँ ना, ये देखो ऐसे करके ना, हम ऐसे करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको भर लेते हैं सारे को। मैंने पहले भी आपको ना पानी में भी ग्रो करना बताया हुआ है ना, तो ये देखें ज़रा, नज़र आ रहा है आपको, ये देखें ऐसे करके इसको लगा देंगे, सारा भर देंगे, और इसको कुछ एक आध दिन ना छांव में रखेंगे, ठीक है। छांव में रखने से ये होगा कि इस धूप अगर डायरेक्ट पड़ेगी ना, फिर वो नहीं होगा ग्रो। ये देखें, मैंने इसको भर लेना है, अभी सारा मैं इसमें लगा देती हूँ, ठीक है। आप भी घर में पुदीना लाएँ, उसके पत्ते अपने इस्तेमाल में लें, जो जो डंडियाँ जड़ें उसकी रह जाती हैं उसको ऐसे मिट्टी में लगा दें। अच्छी खाद वाली मिट्टी होनी चाहिए ना, तो फिर उसमें बहुत अच्छा सा ग्रो करेगा। इसकी अपडेट के साथ भी आपको मैं दिखाऊँगी ना। ये देखिए, आज कितनी तारीख है, आज 1 नवंबर है, और इंशाल्लाह जब ये ग्रो हो जाएगा फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊँगी, ठीक है ना। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ऐसे करके ना आधा आधा आपने ना इसमें बीच में ना लगा देना, ठीक है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी सब्सक्राइब करना होता है मेरी ज़बान अटक जाती है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें, और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाएँ, क्योंकि हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।